नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। 12 सितंबर को घर घर विराजेंगे गजानन, जानिए कैसे करें पूजा से श्री गणेश को प्रसन्न। शास्त्रों के अनुसार भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मंगल मूर्ति श्री गणेश अवतरित हुए थे, इसलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 12 सितंबर से शुरू होकर यह त्यौहार 23 सितंबर तक चलेगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं। कोई एक दिन के गणेश जी की मेहमान नवाजी करता है तो कोई पूरे 10 दिन तक। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कितने ही दिन गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, बस अपनी क्षमता अनुसार सब लोग गणेश जी की पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। 11वें दिन पूरे गाजे बाजे के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन करते समय यदि गणेश जी के कान में अपनी कोई इच्छा बोल दी जाए तो वो एक साल पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाती है। बस जरूरी होता है कि आप 10 दिन तक गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। गणेश जी की पूजन विधि। जो व्यक्ति गणेश जी को अपने घर बुलाना चाहता है उसको सबसे पहले किसी मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी को निमंत्रण देना चाहिए। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की ही हो तो ज़्यादा उचित है। गणेश जी की मूर्ति को जब मार्केट से खरीद कर ला रहे हो तो उनको एक साफ और लाल कपड़े से ढक कर लाना चाहिए। भगवान गणेश जी अब आपके घर उतने दिन मेहमान हैं जितने दिन आका आप संकल्प करके लाए हैं, इसलिए उतने दिन आपको उनका विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे आप अपने घर आए किसी विशिष्ट व्यक्ति का रखते हैं। गणेश जी को उतने ही समय भोग लगाना होगा जितने समय आप भोजन करते हैं। जैसे जिस समय आपके खाने का वक्त होता है वही समय गणेश जी का भी होगा। बस ध्यान रखें उनके लिए बर्तन नए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जो भी घर में बनाया जाएगा उसका सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाएगा। एक बात का खास ख्याल रखें कि जितने दिन गणेश जी आपके घर रहेंगे उतने दिन आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा नहीं आना चाहिए। जहाँ गणेश जी बैठे हों उसके आसपास तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। भोग के लिए जब खाना गणेश जी के आगे रखें तो ये कहते हुए वहाँ से हट जाना चाहिए कि हे प्रभु, जो कुछ मेरे पास रूखा सूखा था वही आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपया इसको ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दीजिए। कुछ समय बाद भगवान को दिया हुआ खाना वहाँ से ले जाकर अपने बाकी खाने में मिला लेना चाहिए। दिन में 2 बार उनकी पूजा आरती होना चाहिए। अगर कोई क्षमता रखता हो तो अखंड ज्योत जलाई जा सकती है। विसर्जन के समय उनको फल का भोग लगाना चाहिए और बाद में ये फल प्रसाद के रूप में बांटे जा सकते हैं। उनको इसी प्रकार विदाई देनी चाहिए जैसे कि परिवार के सदस्य आपसे दूर जा रहा हो, आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर जाए। विसर्जन के समय यथासंभव दान दक्षिणा की जानी चाहिए। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।